अच्छी हो। जी बोलिए। आप उसमें इंटरेस्टेड हो? बंजी? हाँ नहीं नहीं बंजी बंजी जंपिंग में। बंजी में स्काईवॉक में? स्काईवॉक करना। अच्छा ठीक है, मैं करा दूंगा। आप सब सारी चीज़ें करवा लीजिए, उसके बाद में मैं करा दूंगा आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट? मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आए हैं द्वारका वाटर पार्क। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं अंदर एंट्री। तो गाइज अभी हम टिकट काउंटर पर खड़े हैं और हमने टिकट लिया है झिंगा भाई टाकरी से। ये देखिए हमने पूरे ग्रुप का टिकट ले चुके थे, 6-7 बंदे हैं हमारे साथ और अब हम एंटर करने वाले हैं। क्या बोलते हैं, टर्न भी है क्या? टर्न भी लेने को? आई एम कृणाल, आई एम फ्रॉम द्वारका, एंट्री विद द्वारका गेट। गाइस अब हम आ चुके हैं द्वारका वाटर पार्क के मेन एंट्रेंस पे। ये देखिए बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है आज, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या नाम है? गणेश भाई क्या नाम? हाय, आई एम कुणाल। लॉकर कितना बड़ा है? लॉकर सर जी 1.5x1.5 का लॉकर है, आपकी बड़ी वाली 2-3 बैग एक में चली जाती है। ये वाले ये है लॉकर रूम द्वारका वाटर पार्क का। अभी हमने ड्रेस चेंज कर लिया है और हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल में। जो लॉकर के सीधा बाहर ही दिख रहा है आपको स्विमिंग पूल है, ये देखिए। भाई को लॉकर लेने के लिए भेजा था, 2 लॉकर लिए हैं लेकिन कम पड़ गए, अभी और एक लॉकर लेने के लिए भेजा है, वो आ रहा है बंदा। और अब हम जाएंगे स्विमिंग पूल में।
गाइस अब हम द्वारका पार्क में नाश्ता कर लिया है। हमें कूपन मिला था द्वारका पार्क में नाश्ता करने का। ये भाई लोग ने हमें नाश्ता दिया और ये काउंटर लगा है और अभी हम जा रहे हैं एडवेंचर पार्क की तरफ। ये भाई है जिन्होंने चाय दी हमें। अभी मिलना अपन यूट्यूब पे, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सोनू गुप्ता 741 के नाम से आईडी। तो अब हम जा रहे हैं एडवेंचर पार्क की ओर। काफी एंजॉय किया, बहुत लेट आए थे हम लोग इसीलिए स्विमिंग पूल में ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सके, फिर भी दोस्त लोगों के साथ बहुत एंजॉय किया। आप लोग ने देखा ही होगा हम लोग स्विमिंग पूल में किस तरीके से डांस कर रहे थे। और देखते हैं अब कौन से झूले में हम झूल पाएंगे क्योंकि धूप काफ़ी तेज है। सूरज एकदम इतनी तेज रोशनी है कि देखते कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं से भी आते हो, नागपुर से आते हो, तो आपको झिंगाबाई टाकली में द्वारका पार्क का एक ऑफिस है जहाँ पर टिकट काउंटर के साथ में आपको ब्रेकफास्ट का भी टिकट इंक्लूड करके मिलता है 600 रुपये पर हेड। काफ़ी रिजनेबल प्राइस है और आपको ब्रेकफास्ट का भी टिकट उसी में इंक्लूड करके देते हैं 600 रुपये में। अगर आप यहाँ से वो टिकट लेते हो तो आपको 700 रुपये पर हेड टिकट पड़ेगा और ये ब्रेकफास्ट का जो है वो अलग से रहेगा टिकट अगर आपको लेना है तो। अगर आप नागपुर से आते हो या फिर और नागपुर के आसपास कोई भी एरिया से आते हो तो ये 600 रुपये में आपको दोनों भी दिया जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। तो ये अब हम आ गए हैं द्वारका पार्क के एडवेंचर पार्क में। काफ़ी बड़ा सा दिख रहा होगा आपको ये झूले, जहाँ अभी हम देखेंगे कहाँ बैठना है। ब्रेक डांस भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो गाइस अब हम जा रहे हैं स्काई वॉक करने के लिए, जो नागपुर में पहले ही बार हमको देखने को मिल रहा है, जो द्वारका पार्क में खुला हुआ है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपको अगर स्काई वॉक करना है तो। ये देखिए इसकी हाइट देखिएगा इस पहले आप, ये इतने ऊंचाई से अपने को स्काई वॉक करना है। काफ़ी हाइटेड है, देखिए कितना ऊँचा है ऊपर। यहाँ पर अभी हम लोग जाने वाले हैं स्काई वॉक करने। स्काई वॉक हमारी दार्जिलिंग में किया था जाने वाले, देखते हैं क्या प्राइस है। तो फ्रेंड्स, कौन कौन हमारे साथ स्काई वॉक करने वाला है? अभी भाई है मेरे साथ स्काई वॉक करने वाला है। बहुत डरता है भाई यार पानी में, इतना डरता है कि कुछ पूछो मत। अभी ना साले विनाश साले ये भी चलने वाला है स्काई वॉक करने के लिए। 200 रुपये पर हेड टिकट है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में वो अपने को स्काई वॉक करना कराने वाले हैं। 1000 कस्टमर होने के बाद 1000 इनका टिकट होने वाला है। उन्होंने ऑफर में ये 200 रुपये में अपने को स्काई वॉक का ऑफर दे रहे हैं। तो गाइज अभी ये बंदा स्काई वॉक करके आया है, देख सकते हैं इसके जुबान से ये खुद बताएगा कि कैसा इसने फील किया ऊपर जाने के बाद। अभी अभी नीचे आया, ये बता सकता है आपको। ये देखिए ऑसम, बहुत माइंड ब्लोइंग। चलो ना, क्या ऊपर है। तो गाइज अब हम एडवेंचर पार्क में ब्रेक डांस में एंटर करने वाले हैं, देखते हैं कैसा रहता है यहाँ का एक्सपीरियंस। हाँ वो तो काफी फुल हो चुका है। उधर ये बंदे लोग बैठ गए, अभी हम लोग को उस साइड जाना पड़ेगा यार ग्रुप छोड़ के। चलो देखते हैं कैसा रहता है। ये ब्रेक डांस शुरू हो चुका है, झूला अभी हम गोल गोल घूमना चालू हो गए सारे लोग। ये मेरे साथ भाई है, ये देखना हम लोग गोल गोल घूमना शुरू हो गए। और ये भाई
काफी मजा आ रहा है, काफी एंजॉय कर रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही शानदार है ये राइड यार, ऐसा वसूल है। अभी कभी नहीं बैठूंगा, पूरा मजा आ गया बाबू, एक नंबर स्वाद वाला तारका वाटर पार्क। अभी होगी ना वोमिटिंग यार, भी उतरने को नहीं हो रहा बाबू। ये अपने बाबू है, उतार दे अपने को। ये बाबू है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा गाइस ये द्वारका पार्क का। हमने अभी था, यहाँ पे काफी मजा आया हमको और बहुत अच्छा लगा हमको। आगे दिखाते हैं आपको, प्लीज वेट एंड वॉचिंग। तो गाइस अब हम आए हैं ट्रेन में, क्या बंदे वो ये ले ड्रैगन ट्रेन। तो भाई ने बताया अभी अभी हमको ये ड्रैगन ट्रेन है द्वारका पार्क में। क्या बंदे गणेश कथा पढ़ाते तुल चक्कर मार रहा थोड़ा। तो ड्रैगन ट्रेन अभी शुरू हो चुकी है और ये हमने अपना शुरू कर दिया। ये देखिए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है स्लोली स्लोली डिब्बे जाकर ऊपर आने का। और यार बंदे लोग सारे पीछे बैठ गए, हमें आगे बैठा के रखा है। ड्रैगन ट्रेन नाम तो है लेकिन स्पीड नहीं है यार ट्रेन की। बहुत स्लो चल रही है ट्रेन। कितने राउंड है? सात राउंड। बाउना बाउ ने हमको छः राउंड लगा कर दिए ट्रेन में और अब ट्रेन स्लो कर दी। ये मेट्रो निकला है, साढ़े सात राउंड जाले बनते बाउ। तो गाइस अभी हम ड्रैगन बैलेंसिंग होना घूमना है तो क्या फर्क पड़ता है इधर उधर। तो गाइस अभी हम पानी पीने के लिए आए चील वाला, यहाँ पर डिफ्यूजर दिखा हमें तो सीधा ही दौड़ते हुए आ गए क्योंकि पानी का यहाँ पर हमें दिखा नहीं, वो तो काफ़ी दूर है और प्यास काफ़ी जम के जोर से लगी थी। तो अविनाश और मैं पानी पीने के लिए आ गए। ये बच्चा भी हमें मिला है, यहाँ पर पूछ रहा है कि यूट्यूबर है कौन सा चैनल है। तो भाई क्या बोलना आपको, बोलो कैसा लगा आपको ये द्वारका पार्क? बहुत अच्छा है द्वारका पार्क, उधर बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और वो उधर भी जानते नहीं आ रहा है, उधर भी बहुत है। अच्छा आपने झूल लिए सारे झूले? हाँ। क्या क्या झूला आपने? ड्रैगन ट्रेन में बैठे थे क्या? हाँ। कैसा लगा आपको? उधर बहुत अच्छा लगता है। चलो और भी काफ़ी क्या बोल रहे थे? अरे अच्छा। तो जैसे कि अभी अभी आपने सुना होगा सर ने हमें बताया कि जिप लाइन अगर आपको करना है तो अपने को बेल्ट और वहाँ से लाना पड़ेगा, बेल्ट और कैप जो यहाँ से छोड़ेंगे ऊपर से। ये देखो काफी अच्छा रहने वाला ये राइड, सारे लोग रेडी है जिप लाइन करने के लिए। जिप क्लाइंबिंग का जिप लाइन करने के लिए फर्स्ट टाइम जिप लाइन करने वाले हम लोग। अविनाश भी काफ़ी एक्साइटेड है जिप लाइन करने के लिए।
इसका वेट ज्यादा है, कहीं टूट के रस्सी नीचे ना गिर जाए भाई, पकने वाले लेके आएंगे। चलो लेके आते अपन, कम लोगों वेट के लिए चाहिए। जी बोलिए, आप इसमें इंटरेस्टेड हो? बंजी? हाँ नहीं नहीं, बंजी बंजी जंपिंग में, बंजी में स्काई वॉक में? स्काई वॉक करना। अच्छा ठीक है, मैं करा दूंगा, आप सब सारी चीज़ें करवा लीजिए, उसके बाद में मैं करा दूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करूँ। तो सर ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट स्काई वॉक करने का वादा किया है, देखते हैं अभी हम सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद कैसा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक, थैंक यू। तो ये रहता है अपना यूट्यूबर का क्या बोलना भाई यार, देखो अभी अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, लेकिन लोगों को पता है कि यूट्यूब में काफ़ी चीज़ें वायरल हो जाती है, तो इसलिए हमने भी कोशिश की यूट्यूब स्टार्ट करने का। और चलना बेल की उन्होंने बे, अभी बेल बेल्ट वो वहाँ से लाना है, तो चलना लेके आते ना सबके लिए। बेल्ट लेने के लिए इस ओर से उस ओर, ये देखिए देखते हैं कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस जिप लाइन का। आप फ्री है, आप लगे काय म्हणते तिथं ओव्हर शो बघा, तिकडं पाठवून काय कसं वाटलं मग तिथे तो गाइस मैं आया हूँ अभी जस्ट, तो बहुत ही हॉरर था वो और मुझे बहुत डर लग रहा था। बस मैं इसके से मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ नीचे पानी पी लेता हूँ, फिर बाद में आपके साथ बात करता हूँ। पापा भाऊ बोला बोलता क्या आपल्याला, मी काय म्हणतो आता तुम्ही जे हे केलं कसं वाटलं तुम्ही? काहीच नाही, शांत चांगलं वाटलं, एकदम चांगलं। हो काही भीती ना वाटली? नाही यार, आता तुम्ही मदत नटकून तिथं रिटर्न गेला होता, मला काहीच नाही वाटलं। नाही का प्लीज आप चालते कसं का चला का याची? हाँ हाँ, कैमल राइड कहाँ यार? राजस्थान वाला राइड, जल्दी आना ऊपर से नीचे वाला राइड। हाँ तो गाइस तो गाइज ये भाई ने अभी बंगी जंपिंग की है, काफी हाइट से जाकर आया है, तो बता सकते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? भाई पहले जो पहली बार जाते हैं बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगी ऐसे, इस तरीके से बहुत एंजॉय किया, मजा आ गया। तो भाई ने बहुत एंजॉय किया और मजा आ गया उनको ये। तो अनिकेत कैसा फील कर रहे हैं ऊपर जाके? अनिकेत कैसा फील कर रहे ऊपर जाके, कहा गए बोलता काही पैसे ना करूंगा। हाँ थोड़ा भाऊ उड़ गेला बे, आला का हमारे बदल दिए। हाय आई एम गोइंग टू आसमान स्काई, मैं सीधा यूक्रेन ले उतर यूक्रेन।
बंगला मीठा ने भी आ गया बंगला था पूरे उठा के पकोड़े पे पकोड़े भी कौन सांगून आला तिकडे भाऊ यायला जास्त वर पाठवत सांगून आला कुठून लाल डॉक्टर एक नीली डॉक्टर है ये लोग रेती भरने वाले तो भाई कैसा फील कर रहे आप हाय आई एम बेटर फील मैं गया था आसमान गोइंग टू स्काई मेरे को वहाँ रेती चोर मिले एक लाल ट्रैक्टर थी एक नीली ट्रैक्टर थी और ये दो भाई है अपने उड़ाने वाले अपने को आसमान की सैर कराने वाले तो चलो अब हम चलते हैं स्काई वॉक की तरफ आएगा भाई ये 5-6 दिन में तो अब हम जा रहे हैं स्काई वॉक करने के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर बंगी जंपिंग का तीनों बंदों ने जंपिंग किया थोड़ा अलाउड नहीं किया क्योंकि वेट ज़्यादा था तो चलो देखते हैं स्काई वॉक करना है अभी हमको तो बहुत ही लेकिन वो जंपिंग था जो भी था पता नहीं क्या था क्योंकि वहाँ राइड का नाम नहीं लिखा था तो अब हम जा रहे हैं आगे की ओर देखते हैं कौन सा राइड हमारा बचा हुआ है पहले तो गाइस ये है जॉइंट सिंह राइड कौन सा कम वेन कौन सा जास्त वेन देखने के बाद क्या गाइस आपको कैसा लग रहा है कहीं जाना चाहिए अपने को जाना ही तो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं उसके बाद फिर सोचेंगे बताएंगे एक्सपीरियंस हमारा दर्द नहीं होता क्या बोल रहे हर्ट को दर्द नहीं होता भाव अच्छा आई विल ट्राई अगेन तो एक बार ट्राई करना चाहिए ऐसा इन्होंने कहा हम लोग एक बार ट्राई करेंगे अभी हम गणेश भाई को भी साथ में लेके जाएंगे ये गणेश भाई साइड में खड़ा है तो गाइस अब हम करने जा रहे हैं जॉइंट सिंह राइड काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है ये बताऊंगा जॉइंट सिंह राइड कैसा रहता वेट ज्यादा होने के कारण हमें बंगी जंपिंग करने नहीं दिया अभी हम करने वाले हैं काफी ऊपर ये ऐसा हवे में तैरता है तो देखते जाने के बाद ही हम आपको आने के बाद बताएंगे कैसा रहता है तो ये भाई ने हमको कहा मतलब हाँ तो ये देखिए इस इसको पकड़ लिया है अरे अरे मतलब आपने तो पकड़ लिया है दोरे को हाथ पकड़ लिया है हां अब हम जाने वाले काफी कंफर्टेबल महसूस रहा भाई आसमान आप तो यार इतना नाउ स्पीच विसरू गया तुम्हें काय होते राइट जॉनी अबे हाथ अंडा करना पड़ा पगलाएगा हाथ तो लो हाथ तो लो बंद नहीं चला चालू है वो एक मिनट एयरपोर्ट जैसे लगा मेरे को भी एयरपोर्ट क्या बनता है तू छोड़ छोड़ हाथ छोड़ वीडियो तो चालू है चालू है सब काल काल भाई फक्त बनवून देतो
कैमरा ना घुटना है ना। आप दो ही लोग बचेंगे सर? इकड़े इकड़े बन करना है वीडियो इकड़े ते तिथून वीडियो बन कर बहुत मजा है हमको ये राइड पे। अब चलते हैं स्काई वॉक करने के लिए। स्काई वॉक करने की गाइज अभी अभी हम लोग जॉइंट स्विंग करके आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा हमको लगा ये जॉइंट स्विंग करके। और आप भी आइए, आप भी जॉइंट स्विंग कीजिए, यहाँ का राइड का मज़ा लीजिए। बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग। जैसे हमको ऊपर से नीचे फेंका गया तो ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि हम लोग एकदम से नीचे गिरते के क्या, लेकिन ये भाई लोग तो डर ही गए थे। फर्स्ट इनका एक्सपीरियंस था कि जिसमें इन लोग डरे अभी तक यहाँ के राइड में। और ये भाई का पूछ लो आप क्या है। तो मुझे तो एकदम फुस्सी लगा, फुस्सी। अविनाश ने एक भी राइड नहीं किया, इसको काफी डर लग रहा है राइड करने के लिए। इसका वेट भी काफी ज्यादा है, तो एंट्री भी नहीं दिया। चक्कर आ रहा, ब्रेकफास्ट तो हो चुका है, लेकिन ये झूठ बोल रहा है बंदा। आप यहाँ पर आके बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। काफी छोटा सा इन्होंने ये काका एक लेक जैसा बनाया हुआ है छोटा सा, और वहाँ पर बोटिंग चलाकर बच्चों को और फैमिली को या फिर कपल जो भी है उन लोगों को बोटिंग करवाते हैं। काफी अच्छा है, हम लोग को बोटिंग नहीं करना क्योंकि बोटिंग क्या करने आ रहा है। बहू ये ना कुछ गेले सुनील सर सांगून गेले का आले आले हा बो योजना ते येता। तो गाइस अब हम जा रहे हैं स्काई वॉक करने के लिए, सनसेट देखेंगे ऊपर से। पहला एक्सपीरियंस हमारा स्काई वॉक का, वो भी नियर नागपुर। पर हल्का सा मन में डर लग रहा है। अविनाश को डर लग रहा है, देखते हैं अविनाश फर्स्ट टाइम चलता है या नहीं चलता है। फर्स्ट टाइम जा रहा है अविनाश। तू भाई, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। और काफी हाइट पे स्काई वॉक दिखाई दे रहा है हमको। ऐसी कर कहने का इतना जी, हाँ ऐसी कर। ये देखिए हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर से तो यार क्या ही बोलना, नजारा का नजारा बहुत ही अच्छा व्यू आ रही। बॉडी हार्नेस, तो ये बॉडी हार्नेस है जो हमें पहना दिया, तीन चार लोगों ने मिलकर हमें पहना है। काफ़ी अच्छे बंदे थे जिन्होंने हमें बेल्ट पहना कर दिया देखते ऊपर जाने का। सीधा ही जा रहे हैं, किसी वर्षा है हाँ बहुत आई गए भैया। काफी ऊपर की ओर आ चुके हम लोग। बहुत स्लोली ये लिफ्ट हमें ऊपर लेकर जा रही है। स्लोली 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 फर्स्ट टाइम इतने हाइट पर ओपन ओपन लिफ्ट में हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। हम
पहुंच गया स्काई वॉक के कितना स्क्वायर फीट 160। तो ये 160 फीट हाइट है स्काई वॉक की। तो ये भैया यहाँ के इंचार्ज है भैया। तो दार्जिलिंग और सिक्किम के बाद आज हम करने वाले हैं स्काईवॉक। और ये अगर डर लगता होगा तो पहले ही बेड लगा दी भाई, नीचे बैठ जाना। मैं नीचे देखता तो नहीं हूँ। क्यों नीचे देखता तो उबलाने वाला लगता। ये बेड लग गया, चल आगे। नहीं तो चल अबे आगे चल ना, वीडियो में तेरे को लूंगा कि नहीं लूंगा। हाँ हाथ भी पकड़ के चल, कुछ नहीं होता ना भाई, इतना डर नहीं लगा। तो गाइस बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी जाड़ा ये ग्लास है स्काई वॉक। नीचे से देखने के बाद थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ऊपर आने के बाद कुछ भी फील नहीं हो रहा है। आप लोग भी आ सकते हैं, बच्चे फैमिली कपल्स फ्रेंड्स किसी के भी साथ, काफ़ी अच्छा ये एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा ग्लास पे। अगर आपको डर लगता है तो मेरे जैसे आप ये लोहे के रॉड पर से चल सकते हैं, नहीं तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है। देख सकते हैं सनसेट भी हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है। और नीचे से अनिकेत को बोलो वीडियो निकालने के लिए। अविनाश कैसा फील कर रहे हो आप? नीचे देख तो डर लगता है, ऐसा लगता है कि नीचे कुछ चमका, मैं नीचे देख कितनी रहा हूँ। अविनाश ने अभी तक नीचे नहीं देखा है, नीचे देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। काफी ऊपर की ओर हम लोग आ चुके हैं, 160 फीट हाइट के ऊपर हम लोग खड़े हैं और नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही सपोर्ट है। ऊपर आए थे वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ नीचे का नजारा। अविनाश को तो कोई डर नहीं लगता। बाद में देखेंगे, फिलहाल तो अपन स्काई वॉक का मजा ले रहे हैं, काफी अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग। इतनी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है, शाम का 6 बज रहा है और बंद होने का समय हो चुका है द्वारका पार्क, 5:30 बजे क्लोज हो जाता है। पंकज सर के रेफरेंस की वजह से हम लोग को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट स्काई वॉक करने को मिला, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है और आप लोग भी आएंगे तो अभी डिस्काउंट ऑफर शुरू है। वैसे तो स्काई वॉक करने का, लेकिन ऑफर की वजह से 200 पर पर्सन ये आपको ऊपर आने देंगे स्काई वॉक देखने। अगर आपको करना है तो हमें भी 200 पर हेड चार्ज करने वाले थे, लेकिन पंकज सर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एंटर किया यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है भाई यार, बहुत ऑसम। अविनाश तो नीचे देख ही नहीं रहा। और सारे राइड हमारे हो चुके कंप्लीट, काफ़ी अच्छा है द्वारका पार्क। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे। क्या बोला जाएगा अविनाश, तू कुछ बोलना चाहेगा क्या? एक्सप्रेस था यार गाइस ये स्काई वॉक का। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर, बहुत ही स्लोली ये लिफ्ट फिर से हमें नीचे लेकर जा रही है। और अच्छा हो गया हमने स्काई वॉक का ये राइड कर लिया, नहीं तो फिर मन लगा रहता फिर से द्वारका पार्क कब जाएगा और स्काई वॉक करेंगे। तो हमारे साथ जो बंदे थे उन्होंने आने से मना कर दिया क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, नीचे से देख कर ही उन लोग को डर लगा और उन्होंने आने से मना। आप देख सकते हैं बहुत ही हाइट पर है ये 160 फीट।
एकदम यार अपने वो पैशन आ रहा हूँ अपना वेट कर लेगा अरे एकदम मस्त होता खूब छान होता स्काय वॉक फर्स्ट टाइम आम्ही स्काय वॉक एक्सपीरियंस घेतला हो अंकल सरांची भेट मी पुढे बाहेर गेलो होतो तुमची आयडी सांगा ना आम्हाला फॉलो आम्ही ध्यान मो टाकीन आता 4-5-6 दिवसांनंतर टाकीन मी व्हिडिओ बंद करून दे ना तो अब बज चुके हैं शाम का 6 और हम जा रहे हैं बाहर की ओर क्योंकि वाटर पार्क और एडवेंचर पार्क दोनों ही बंद हो चुका है। स्काई वॉक करने के बाद काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग। पहले तो देखने के बाद डर लग रहा था लेकिन ऊपर जाने के बाद कुछ भी नहीं लगा और हमें पूरा मतलब बेल्ट से चैन वैन लगा कर पूरा सेट करके दिया था। अगर डर लगे तो नीचे बैठ जाए तो ऐसा डरने वाली कोई भी बात नहीं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था नागपुर में आकर। अगर अब आप कभी भी आते हैं तो स्काई वॉक ज़रूर कीजिए क्योंकि नियर नागपुर यहाँ पर स्काई वॉक का आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा व्यू है, सनसेट का व्यू हमने देखा ऊपर से और अब हम जा रहे बाहर की ओर। ये अपने बंदे लोग इधर बैठे हैं तो बहुत ही शानदार नज़ारा था यार स्काई वॉक का। भाई लोग आपको भी बताना चाहता हूँ, बहुत ऑसम व्यू था स्काई वॉक का। हमें फ्री ऑफ ऐसे लगा मुक्ति को में गए तो चलिए सुनील थैंक यू सो मच सर, आपने हमें फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट राइड करा के दिया। स्काई यू आर हैप्पी ना? आई एम वेरी हैप्पी, बस थैंक यू सो मच। यू आर हैप्पी ना? नाउ आई एम। तो हमारे भाई अभी तक अभी मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ, इनके हाथ में गाड़ी नहीं लूंगा भाई। इन पर मेरे को अब इतना सा भी भरोसा नहीं है जैसे एंटर किया। बहुत परेशान किया सभी लोगों को बोलना। वो काफी परेशान किया आधे राइट तक, उसके बाद में शांत हो गए। एंट्री से एक जस्ट तक पूरे परेशानी। जब तक पानी में थे इन्होंने काफी हमें हर्ट किया। यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगा कि यार पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन कैमल राइड करने के बाद एकदम राइट हो गई है। एडवेंचर में अलग थे हमसे, हमारे साथ में नहीं थे क्योंकि वेट ज्यादा या कम होने की वजह से पता नहीं क्या था। तो ये आइसबोला खाकर इन्होंने काफी एंजॉय किया कैमल राइड करके। तो फिर से अब नेक्स्ट व्लॉग। ये मेरा दोस्त है, इसको दिखता नहीं बराबर, इसके लिए 50,000 रुपए डोनेट कर दो भाऊ के अकाउंट में डाल दो। ये अपना ब्लॉगर है भाऊ, इसके अकाउंट में डाल दो। दोनों भाऊ आग देख लो, कहीं आग देख लो। गणेश भाऊ, ये भाई गणेश भाई दिखना का, मैं इसको हाथ पकड़ के लाया था मैंने इसकी हाथ। तो काफी एंजॉय किया। अब हम जा रहे नागपुर, अभी ब्लॉग खत्म नहीं हुआ है, आगे ब्लॉग ऑन द वे चालू रहेगा नागपुर तक के। नहीं नहीं, ये ब्लॉग यहाँ पर ही खत्म करने वाले हैं हम लोग, काफी लंबा हो चुका है, बहुत ही देर से हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं। नागपुर जाएंगे ढाबे पर खाना खाने के लिए, मिलते हैं ढाबे पर। तो भाई ने अभी अपनी गाड़ी चालू कर ली है टेप वेप लगा के, जुगाड़ करके, ये नागपुर का जुगाड़ है। तो इन्होंने अंदर टेप लाकर यहाँ पर गाड़ी को अपने स्टार्ट कर लिया है। इनकी गाड़ी होंडा शाइन है। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? अच्छा लग रहा है, अभी तक अच्छा लगा, लेकिन अभी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी तक अच्छा लगा। तो अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक नंबर हरियाली थी देखने के लिए, ये सूरज भाई है, आप ही बता दो। ये शुभम भाई, आप ये सूरज भाई है, ये शुभम भाई है, मैं परीक्षित हूँ, ये पवन भाई है, ये किरण भाई है, और एक खुशवंत भाई है जो अंदर के टेप लेके गए, उधर गाड़ी लेके बैठे हैं, ये गाड़ी लेकर बैठे भाई। तो चलो आप मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में। भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना।
है।